उत्तर प्रदेश राज्य का जिला मुजफ्फरनगर, जिसका नाम लेते ही एक ही बात जहन में आती है, मुजफ्फरनगर दंगा 2013। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो सबने देखा, चलिए हम दूसरा दिखाते हैं। यह कहानी है मुजफ्फरनगर के गांव पचेंडा कला की। कुश्ती भारत का एक प्राचीन खेल है। अखाड़े की मिट्टी में खून पसीना बहा मुजफ्फरनगर के युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम के पहलवान भारत की इस प्राचीन खेल परंपरा को संजोए हुए हैं, जिनका सपना अपनी कुश्ती प्रतिभाओं से मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना है। अपने मजबूत बाजुओं की पकड़ से आसमान छूने वाले ये पहलवान ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना ही अपना लक्ष्य मानते हैं, क्योंकि देश का सम्मान इनके लिए सर्वोपरि है। मुजफ्फरनगर का एकमात्र कुश्ती अखाड़ा जो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित है, जिसमें 60 पुरुष और 10 महिला पहलवान कुश्ती के गुर सीखते हैं। कोच द्वारा बताई गई सभी टेक्निक को बारीकी से सीखते हुए ये पहलवान जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों मेडल जीत चुके हैं। दिन की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे और सभी पहलवान अखाड़े में इकट्ठा होने लगते हैं और शुरू होती है खून पसीना एक करने वाली कड़ी मेहनत। अपने शेड्यूल के अनुसार सुबह का वर्कआउट करने के बाद यह प्रक्रिया शाम 4 बजे फिर से दोहराई जाती है। अखाड़े में पहलवानों को रहने की सुविधा भी दी जाती है, जहां पहलवानों को घर जैसी सुविधा उपलब्ध है। गांव पचेंडा कला में लगभग 50 वर्षों से चल रहे इस अखाड़े की स्थापना रघुवीर पहलवान ने की थी। उनका सपना था कि युवा पीढ़ी के जोश और जुनून को नशे और दूसरी बुराइयों से दूर रखते हुए युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाए और गांव-गांव तक देश की प्राचीन खेल परंपरा का विस्तार हो। रघुवीर सिंह तो नहीं रहे, लेकिन कुश्ती अखाड़ा आज भी उनके पुत्र मांगेराम पहलवान की देखरेख में निरंतर चल रहा है और युवाओं को कुश्ती के लिए प्रेरित भी कर रहा है। 2014 तक यह कुश्ती अखाड़ा परंपरागत तरीके से चलता था, जिस कारण पहलवानों को आधुनिक कुश्ती का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद मांगेराम के भतीजे अर्जुन पहलवान व युधिष्ठिर पहलवान ने इसको एक संस्था का रूप दिया। गांव पचेंडा कला से देश के लिए कारगिल में शहीद हुए शहीद बच्चन सिंह व मांगेराम के इकलौते बेटे राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी अरुण पहलवान को श्रद्धांजलि देते हुए इस संस्था का नाम शहीद बच्चन सिंह व स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति रखा गया। इस कुश्ती अखाड़े की प्रतिभा को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 2016 में डे बोर्डिंग स्कीम के तहत अखाड़े को अडॉप्ट किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ही युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम में चल रहे अखाड़े को बच्चन सिंह अखाड़े का ऑफिशियल नाम दिया गया, जिसके बाद 22 पहलवानों का चयन ट्रायल बेस पर भारतीय खेल प्राधिकरण में हुआ। मेरा नाम मांगेराम पहलवान है, गांव पचेंडा का रहने वाला हूँ और यहाँ पर एक खड़ा चला रहा है। सन 2014 तक तो नॉर्मल अखाड़ा चलाते थे, उसके बाद हमारे गांव में एक शहीद हुए थे बच्चन सिंह और हमारा एक लड़का था वो भी मर गया था। उसके बाद मेरे भतीजों ने एक संस्था बनाई
कारगिल शहीद बचन सिंह व स्वर्गीय अरुण पहलवान के नाम से, और उसके तहत ये खड़ा चला हुआ है। ये संस्था हम करीब 50 साल से चला रहे थे, और हमारे यहाँ नेशनल राजकीय स्टेट लेवल के पहलवान तैयार हुए। इनको देखते हुए, इन प्रतिभाओं को देखते हुए साई ने हमारे अखाड़े को अडॉप्ट किया। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक तो बच्चों को नशे से दूर रखना है, और ओलंपिक तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे ओलंपिक में भाग ले सकें और देश के लिए मेडल जीत सकें। हमारे ज़िले मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, उसकी हिसाब से यहाँ एक दूसरे से कटने लगे थे लोग। तो हमारा ध्येय है सिर्फ बच्चों को मेडल दिलाना है, हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अच्छी प्रतिभा होनी चाहिए, कोई भी जाति का बच्चा हो। और इस अखाड़े में हिंदू और मुसलमान के दोनों के बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर बड़े प्यार के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हमारे अखाड़े में लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और हमारा ध्येय है सिर्फ ये अपने ऊपर निर्भर रहें, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रह सके और देश के लिए मेडल ला सकें। इस प्रकार से यहाँ पे साक्षी मलिक और दिव्या सैन ने भी मेडल दिए हैं, उसी प्रकार से हमारा ध्येय भी यही है कि भाई हमारे बच्चे भी ओलंपिक से मेडल भारत को दिला सकें। जब हमारे गांव में ये अखाड़ा चल रहा है, तो हमने बालिकाओं या लड़कियों को भी प्रशिक्षण देना शुरू करा, तो गांव के बहुत लोग इन बच्चों की आलोचना करते थे, लड़कियों की आलोचना करते थे, लेकिन जब इन्होंने मेडल दिलाना शुरू किया तो वही लोग अखाड़े में आकर के उनकी तारीफ करते हैं और उनका उत्साहवर्धक करते हैं। अरे भाई, हमारी छोरी भी छोरों से के कम है। पुरुष पहलवानों के साथ साथ महिला पहलवानों को भी कुश्ती के गुर सिखाए जाते हैं, जिसमें दांव लगाना, डिफेंस करना और अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाने वाली टेक्निक सिखाई जाती है। आत्मविश्वासी बनाने के लिए महिला पहलवानों को पुरुष पहलवानों के साथ लड़ाया जाता है। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों खाने जित कर देगी तेरे पुर्जे फिट कर देगी डट कर देगी तेरे। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ, और मेरा सपना ओलंपिक में मेडल लाना है और मैं लेके आऊंगी। मेरा नाम रिया है, मैं युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ और देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। मेरा नाम अरोही है, मैं युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। जब हमने कुश्ती स्टार्ट की थी तो गांव वालों ने बहुत आलोचना की थी कि गांव में लड़की कुश्ती लड़ रही है। जब हमने मेडल लाने स्टार्ट किए तो जो आलोचना करते थे, आज वही हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कुछ देर से ही सही, लेकिन गाँव समाज ने आज माना है कि घर की रसोई से लेकर कुश्ती के अखाड़े तक महिला किसी से कम नहीं है। कुश्ती सीखने के साथ साथ मुजफ्फरनगर के पचेंडा कला में पूरे देश के पहलवानों की कुश्ती प्रतिभा को निखारने के लिए शहीद बचन सिंह व स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति के अध्यक्ष अर्जुन पहलवान अब तक 30 राष्ट्रीय स्तरीय वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता भी करा चुके हैं। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं यहाँ पर साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से गाँव पचेंडा कला में आया हूँ। बिना किसी सुविधा के हुए कारण भी ये अखाड़ा बहुत अच्छे अच्छे पहलवानों को निकाल चुका है। यहाँ से बहुत लड़के इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, एशिया चैम्पियनशिप में लड़के मेडल लाते रहे हैं पहले से ही। और जैसे हमारा ज़िला मुजफ्फरनगर है, इसमें इसको बाहर जो क्षेत्र है, जैसे हम भी बाहर कंपटीशन खेलने जाते हैं तो हम बोलते हैं मुजफ्फरनगर के, तो यहाँ का एक दंगाई क्षेत्र के हिसाब से इसको वे माइंड करते हैं। हिंदू मुस्लिम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और आपस में हिंदू मुस्लिम के लड़के प्रैक्टिस करते हैं, खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं और अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ये तो लोगों की धारणाएँ है, ये गलत धारणाएँ है। हमारे पहलवान है, युधिष्ठिर पहलवान है, अर्जुन पहलवान है, गुरु मांगेराम जी है, वे इतना अच्छा स्टेप ले रहे हैं कि ये खड़ा है, इसको सही से अप्रूव कराने में इन्होंने जो अपनी ताकत पूरी झोंक दिया है, ये एक जो हमारे युवा लड़के बच्चे लड़कियां आगे निकले ओलंपिक में मेडल लाए, इनका जो
उद्देश्य है, ये अपने यहाँ इस अखाड़े से गांव पचंडा कला से ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाना चाहते हैं, और जिससे कि हमारा जो जिला जिसको दंगाई क्षेत्र के हिसाब से देखा जाता है उससे हटके कि लोगों को पता लगे कि जिला मुजफ्फरनगर में एक गांव है जहां पर ये एक अकेडमी चल रही है, यहां के लड़के ओलंपिक में मेडल लेके आए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ले आए, एशिया चैम्पियनशिप में मेडल लेके आए, ये एक फर्स्ट जो स्टेप इन्होंने लिया है ये बहुत अच्छा स्टेप है। हम यहाँ पर दो कोच आए हैं, साई ने जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भेजे हुए हैं यहाँ पर, इनकी बच्चों की तैयारी करा रहे हैं आगे चल के ये अच्छे लेवल पर जाए, आउट ऑफ कंट्री अचीवमेंट करे, इसे मुजफ्फरनगर का नाम। और इंडिया फेडरेशन में जो चीफ कोच रहे वे भी जिला मुजफ्फरनगर के ही है, ओलंपिक क्वालिफाई किया है वो भी मुजफ्फरनगर के ही है, और भी बहुत से स्पोर्ट्समैन जो जिला मुजफ्फरनगर ने भारत को दिए हैं वो भी यहीं से निकल के गए हैं। ये भी क्षेत्र को देखना चाहिए कि भाई ये मतलब यहाँ का जो माहौल है इसको दंगाई से हटा के थोड़ा खेल की तरफ रुझान दिया जाए और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। मिट्टी एक, पसीना एक, खून एक, तो बताओ कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। इस कुश्ती अखाड़े में जब कोई पहलवान उतरता है तो उसका उद्देश्य केवल देश के लिए खेलना और देश के लिए मेडल जीतना ही होता है, क्योंकि सभी प्रतियोगिताओं में खेलने वाला खिलाड़ी केवल भारत का खिलाड़ी है। इस मुजफ्फरनगर की मिट्टी में खून पसीना एक करने वाले इन पहलवानों का सपना नशे से दूर रहना और देश के लिए नाम कमाना, क्योंकि यही है असली मुजफ्फरनगर। खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है तो